लेकिन आप ये बताएं पंडित जी कि आपने कहा 16 तारीख तक हो सकता है कि बिहार की स्थिति इसी प्रकार गंभीर रहे, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। देखिए यहाँ पे हम ज्योतिषी अनुसंधान और ज्योतिषीय चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो इसलिए युग का प्रभाव डेफिनेटली आता है। युग भी ग्रहों से चलता है, हर तरह से अगर हम इन चीजों का अनुसंधान करें, एक दूसरे के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया और उसके इंप्रेशन देखें, तो डेफिनेटली ग्रहों की परिस्थिति से ही कलयुग और सतयुग आते हैं। तो इसलिए आज की अगर गणना की जाए तो 16 तारीख तक बिहार में पूरी की पूरी जोर लगा देनी चाहिए हमारे अधिकारियों को, हमारी सरकार को, उन लोगों को बचाने के लिए जो अभी तक जो जनसंख्या के मरने की बात आ रही है राजीव जी, उससे कहीं ज्यादा और मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी दो ग्रहण गए हैं, इन ग्रहणों का प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ना था उस उन ग्रह, और फिलहाल जो है सूर्य और चंद्र की जब परिस्थिति देखते हैं, और आपको याद होगा पिछले से पिछले आरकेबी शो में हमने बोला था कि एक घर में 4 और 5 ग्रह बैठे हुए हैं, सिंह के उसमें शुक्र के साथ में शनि, शनि के साथ में बुध, बुध के साथ में सूर्य, यानी इन चारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना आने के पूरे पूरे संजोग जो है वो नॉट ओनली इन इंडिया, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे अभी आपने देखा कि कैलिफोर्निया के पास या कहीं लॉस एंजलिस में कहीं बहुत बड़ा तूफान आया, उस भीषण तूफान से हजारों लोगों की मृत्यु हुई, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हुआ, तो बिहार में भी जिस तरह की परिस्थिति है उसको 15 तारीख तक संभाले रहना बहुत जरूरी है, उसको जुठलाया नहीं जा सकता। सत्य का सामना करने के लिए हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि वहां पे सुधार कैसे किए जाएं, क्योंकि परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप रोज टेलीविजन देखिए, रोज अखबार उठाइए, तो आपको नजर आता है कि आज 100 मर गए और कल 150 मर गए, कल 200 मर गए, कलयुग का प्रभाव है, ये मैं गुप्ता जी के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ। राइट नाउ